आइए आइए आइए, पानी लो जी। हमें सोमदेव गुरुजी ने आपके पास भेजा है। जरा देर हुई आने में, कहो क्यों बुलवाया है हमको? गुरुजी, मुश्किल समय में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हमने भी एक मुश्किल फैसला किया है। आजकल ईश्वर भी हमसे मुंह मोड़ कर बैठा है। गुरुजी, हम अवधूत को अपना वारिस बना रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो विक्रम? तुम जानते हो कि यह असंभव है। कारोबार को बचाने के लिए तुरंत बारिश की जरूरत है गुरुजी, इसलिए बलदेव अवधूत को गोद लेगा। इसके अलावा आप कोई रास्ता नहीं बचा। शत्रुपा इसके लिए तैयार है। उसके मानने न मानने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। करना है तो करना है। देव, तुम तैयार हो? बाबूजी ने कह दिया ना, जो करना है बस करना है। किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी, उसकी पगड़ी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। मंगलवार को पगड़ी की रस्म की जाए। पूजन, तैयारियां करो। गुरुजी, प्रार्थना कीजिए कि किसी तरह ये 7 दिन निकल जाए। आपको याद होगा, 17 साल पहले गंगा किनारे हम आपको एक बच्ची दिए थे। वो बच्ची इनकी बेटी है। आज हमारा परिवार बहुत मुसीबत में है। हम वो बच्ची आपसे वापस लेने आए। अनामी मधु पाठक और मुरारी पाठक की बेटी है, बात खत्म। चुपचाप बिना मुंह खोले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बनारसी पहलवान मंगवा के ऐसा फिकवाएंगे कि सीधा अपने महल में जाके गिरिएगा। मैं तो क्या कर रही हो? वही जो आपको करना चाहिए था। चलो निकलो, निकलो। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा परिवार आज बहुत मुसीबत में है। बैंक है हम, बच्चों का बैंक है हम, कि लोन में बच्चा मांगा और हमने तिजोरी खोल के तोहफे में बच्चा दे दिया। जान निकलती है एक बच्चा पालने में,
जान मांग रहे हैं, ये हमसे हमारी जान मांगने आए हैं। क्या कह रही हो, उनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। उन्होंने जन्म दिया है ना नामे को? सिर्फ जन्म दिया है पंडित जी, सिर्फ जन्म दिया है। माँ बाप का कर्म हमने निभाया है। क्यों पंडित जी, आप कहते हैं ना कि जन्म से कर्म ऊंचा होता है, याद नहीं आपको? नहीं याद है तो निकालिए पोती पत्थर और दिखाओ इन लोगों को। जानते हैं, बोलने तो दो। जब बोलिए। हमने हमारा वंश बचाने के लिए अपने बच्चे का दान दे दिया, पर हमारा वंश तो बचा नहीं। पर अब अनामी हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे इनको डिस्काउंट देना, अच्छी लेडीज है ये। भाई हमको तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा दही चावल लपेट के एक नींद मार लेते हैं। क्या हुआ भाई, माहौल इतना गंभीर क्यों है? कुछ नहीं हुआ ना भी। हाँ? ये सात की सामग्री लिखवाने आए हैं। चल ए मधु रुको, इसको झूठ मत बोलो, इसको सब सच जानना जरूरी है। चुप बेटा, ये तुम्हारी माँ है। बहुत बड़े राजा रजवाड़े के खानदान से, अब तुम इन्हीं के परिवार की राजकुमारी हो। हम तुम्हें लेने आए हैं। क्यों? क्यों मतलब? हम माँ हैं तुम्हारी, प्यार करते हैं तुमसे, तुम खून हो हमारा। आज अचानक आपका प्यार क्यों जागा? आज आपका खून उबाल क्यों मार रहा है? तुम्हारे जुड़वा भाई युवराज वत्सल्य विक्रम सिंह का एक हादसे में निधन हो गया था। अब हमारे पूरे परिवार का भविष्य तुम पर ही टिका हुआ है बेटा। तामो? अच्छा, तो ये बात है, अब हम समझ गए। तो बेटा नहीं रहा इसीलिए आपको बेटी की याद आ गई। आपका खानदान खत्म हो गया है और आपको महल में कोई दिया जलाने वाला चाहिए, है ना? बेटा देखो, हमारी जगह ये गली कूचों में नहीं है, तुम महलों की राजकुमारी, तुम हमारे साथ चलो। नौकर चाकर की फौज तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेगी, दुनिया का हर सुख चैन तुम्हारे पैरों में होगा बेटा। कौन हो तुम? स्टेपनी हो इनकी? देखो अपना मुंह बंद करो, हमारा माथा गर्म हो रहा है। दामो तुम चुप रहो, आज से 17 साल पहले हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। तुम उसे हमारी हमारी मजबूरी समझो या हमारे हालात, पर उस गलती को सुधारने का हमें एक मौका दे दो, हमारे साथ चलो। ठीक है, हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हम आपके साथ तुरंत चल देंगे। पूछो,
अगर आज आपका बेटा जिंदा होता तो क्या आप हमें लेने के लिए आती? इसको प्यार नहीं स्वार्थ कहते हैं हमारी मतलबी महारानी जी। देखिए आपको बेइज्जत करने का तो हमारा कोई इरादा नहीं है। अरे काहे कि उसके लिए तो हमको अपना खून जलाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, गाड़ी में बैठकर महल लौट जाइए। कभी बाप धोने के लिए बनारस आएगा तो फिर मुलाकात होगी। अब देखिए इससे ज्यादा डिस्काउंट तो हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है? बम भोले शंकर। लड्डू हम छत पे जा रहे हैं, चलोगे? तुम चलो, हम इन्हें दरवाजा दिखा के आते हैं। कहाँ टुकड़ टुकड़ देख रही हैं बाप? हाँ हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अब प्रस्थान कीजिए महारानी जी। आपने हमारी बेटी को पाला है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी एक माँ हैं। खुद को हमारी जगह पर रखकर तो सोचिए। एक मिनट, आप बोलने में कंफ्यूज हो रही हैं। आपकी बेटी को पंडिताइन ने नहीं पाला है, पंडिताइन की बेटी को आपने पैदा किया है। ये आपका और हमारा परम सत्य है। इसके आगे आपकी और हमारी कहानी खत्म। खून का रिश्ता ऐसे ही नहीं खत्म हो जाता बेटा। सही कह रही हैं स्टेफनी, खून के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। अरे हम जब से होश संभाले हैं इस खून के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता हर साल हमारे हर जन्मदिन पर एक कलंक बनकर हम पे लगता है। और ये ऐसा कलंक है जो गंगा मैया भी सालों से नहीं धो पाई। अब आप पैदल जाएंगे कि आपके लिए पालकी मंगवाए? बम भोले शंकर, बहुत जिद्दी हो तुम। पर हम भी तुम्हारी माँ हैं। आज जा रहे हैं, पर अपना सामान बांध कर रखना बेटा। बहुत जल्द आएंगे तुम्हें यहां से ले जाने के लिए। हर हर महादेव। इसीलिए आपको बेटी की याद आ गई। अगर आज आपका बेटा जिंदा होता तो क्या आप हमें लेने के लिए आती? इसको प्यार नहीं स्वार्थ कहते हैं हमारी मतलबी महारानी जी। आपकी बेटी को पंडिताइन ने नहीं पाला है, पंडिताइन की बेटी को आपने पैदा किया है। ये आपका और हमारा परम सत्य है। खून के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। अरे हम जब से होश संभाले हैं इस खून के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता हर साल हमारे हर जन्मदिन पर एक कलंक बनकर हम पे लगता है। और ये ऐसा कलंक है जो गंगा मैया भी सालों से नहीं धो पाई। माँ है, बहुत बड़े राजा रजवाड़े के खानदान से है, और तुम इन्हीं के परिवार की राजकुमारी हो।
तुम्हारे जुड़वा भाई युवराज वत्सल्य विक्रम सिंह का एक हादसे में निधन हो गया। अब हमारे पूरे परिवार का भविष्य तुम पर ही टिका हुआ है बेटा। बहुत मुश्किल था दामो, हमारे लिए अनामी से मिलना बहुत मुश्किल था, हम सब देखे शत्रुपा, सब देखे हम, पर अनामी उसके मुंह से एक एक निकला शब्द जैसे तलवार की तरह तेज हो। वो बोल रही थी लेकिन हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। आज से 17 साल पहले हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। तुम उसे हमारी हमारी मजबूरी समझो या हमारे हालात, उस गलती को सुधारने का हमें एक मौका दे दो, हमारे साथ चलो। आज जा रहे हैं पर अपना सामान बांध कर रखना बेटा, बहुत जल्द आएंगे तुम्हें यहां से ले जाने के लिए।